फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अंकित। आज हम बनाने वाले हैं ग्रिल तंदूरी चिकन, और ग्रिल भी करेंगे, तंदूरी भी करेंगे। जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, पीछे हो रहा है ग्रिल और तंदूरी, दोनों आइटम हो रहे हैं। ये देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाएंगे हम आपको कैसे हम इसको बनाएंगे। शुरू करते हैं हम अपना चिकन बनाने की तैयारी। हमने यहाँ पे चिकन धो के रख लिया है, देख रहे हैं हमारा चिकन, और इसी को हम खाएंगे ऐसे। लेकिन कच्चा नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो हम पका के खाएंगे, वरना तो कच्चा नहीं खाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम दही से। हमारे पास है दही। दही को हम काटेंगे नहीं, इसको हम थोड़ा सा बस फाड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे पूरी धार के साथ। ये हमने धार के साथ इसलिए डाला है ताकि इसके अंदर जितना है ना सब ब्लेंड हो जाए, तो पल्प्स जम जाते हैं थोड़े बोड़े, हमें हाथ देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। दही डाल दिया है हमने इसमें। दही डालने के बाद अब हम डालेंगे इसमें मसाला, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे हम। हल्दी डालने के बाद फिर हम डालेंगे अपना जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे हम थोड़ा धनिया, थोड़ा सा लाल मिर्च, सब आधा आधा चम्मच, या फिर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा लाल मिर्च एक चम्मच। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल देना है। फिर हम डालेंगे इसमें पेस्ट, इसका अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे कहते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको काट लिया हमने। काटने के बाद डालेंगे हम इसमें अपने मैरिनेशन के लिए, एक पैकेट डाल सकते हैं आप, या तो घर में पेस्ट बना के डाल सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे कर सकते हैं। दो भाई जिंजर गार्लिक पेस्ट, चाहे आप पेस्ट बना लो वही है, चाहे बाहर से लेके डाल दो। अब क्या करना है, थोड़ा सा बेसन डालेंगे हम इसमें। बेसन हम इसलिए डालेंगे क्योंकि हम इसको थोड़ा तंदूर पर पकाएंगे, तो थोड़ा बेसन चाहिए इसका टेस्ट, थोड़ा शाही टेस्ट करने के लिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा गर्म मसाला, एक चम्मच, छोटा चम्मच गर्म मसाला, एक से डेढ़ चम्मच गर्म मसाला का। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें देगी मिर्च। देगी मिर्च तीखी नहीं होती है, बस थोड़ा सा कलर दे देती है और कुछ नहीं, बस नाम के लिए है ये देगी। हम लेंगे इसमें थोड़ा डालेंगे नींबू। नींबू हमारे पास कटा हुआ था पहले से आधा, इसके बीज डिसीड कर देंगे इसको, डिसीड मतलब बीज निकाल देंगे इसके। बीज निकाल दिया है हमने। डालेंगे इसके अंदर रस इसका, ये सारा इसका डाल दिया हमने मसाला। नींबू डाल दिया है हमने, ये सारा हम मिक्स करेंगे इसमें। ये सारा मसाला चम्मच से कर लो, या फिर हाथ से कर लो, या फिर विस्कर से कर लो, किसी से भी कर लो भाई, मिक्स ही करना है। ये हो गया है मिक्स और रेडी हो गया है चिकन के साथ नहाने के लिए। साथ नहाएगा इसको, पहले एक बार थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। मज़ेदार हमारा मैरिनेशन तैयार है चिकन के साथ नहाने के लिए। ये रहा हमारा चिकन, इसको नहाएंगे आराम आराम से, सारा नहाएगा एकदम। ऐसा लगना चाहिए कि भाई एकदम डूब जाए इसमें पूरा इसका मसाला, अंदर तक चारों तरफ से एकदम मिक्स करके अंदर डाल देना है भाई साहब, कोई एक जगह नहीं छोड़नी है, नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर बाद में आप कहोगे कि यार बताया नहीं आपने। जाएगा आराम से इसको, एकदम प्यार से मसाज दे देना है, फिर जाएगा ये हमारे साथ मुंह में, ऐसे करके हम इसको खाएंगे, खाएंगे पकाने के बाद खाएंगे। हमने यहाँ पे मैरिनेशन के लिए लगा दिया है अपने चिकन को, आधे घंटे के लिए छोड़ते हैं, तब तक हमारा कोयला भी देख लेते हैं। जला दिया था हमने अपने कोयले को और यहाँ पे लग चुकी है आग, ये देख सकते हैं आप, इसमें आग जल रही है, गरम गरम आग है एकदम। ठंडी आग तो होती नहीं है वैसे, गर्म ही होती है आग, ठंडी आग कहाँ से होगी। अब बारी है हमारे चिकन को, तो शुरुआत करते हैं लेग पीस से। लेग पीस से तो भाई शुरुआत ही होती है यार, चिकन बिना लेग पीस के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ये घुसाया और इधर से घुसाया प्यार से। लगाते हैं हम अपने ग्रिल करने में। ये लगाया हमने, इसको कर दिया है सेट भाई, ये तो हो गया है पकने को तैयार। अब बारी है इसकी, इसको भी कहीं ना कहीं लगा देते हैं। ये लगा दिया हमने इसको भी साथ में, इसको भी इधर चिपका देते हैं
और इसको थोड़ा पहले और चिपकाएंगे पास में, इसको लगा देते हैं, ये लगाया हमने, इसको भी साथ में। अब ये पक रहा है, धीरे धीरे पकेगा, आराम से इसको पकने देना है। अमूल क्रीम चाट मसाला, चिकन हो गया है तैयार। ये रहा हमारा चिकन, अब इसको हम खाएंगे अपने स्टाइल में। ऐसा मसाला देखो सुंदर, तब तो एकदम ऐसा मजा आ जाएगा हमें। हाथ अभी मेरे गंदे हैं लेकिन मजा आ रहा है, खाओ उसको। इसको हम टेस्ट करेंगे, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, हमें तो आ गया भैया मजा। अब आप भी ट्राई कीजिए और खाइए और बताइए कैसी लगी हमारी रेसिपी। डू लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक द वीडियो एंड लाइक द रेसिपी। अगली वीडियो में मिलते हैं।